नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अश्वत्थामा मूवी के अपने दो दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वही दोस्तों दूसरी तरफ रॉबी तेजा की मूवी डिस्को राजा की अपने 9 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और देखेंगे दोस्तों कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हो चुके है और कौन सी मूवी हो चुके है फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते है, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो पहला अगर बात करें दोस्तों अश्वत्थामा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों अश्वत्थामा मूवी रिलीज के आज दूसरा दिन है। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के बजट की, तो दोस्तों अश्वत्थामा मूवी के प्रोडक्शन कॉस्ट यानी दोस्तों फिल्म बन के तैयार हुए थे 12 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों फिल्म के प्रिंट और पब्लिसिटी कॉस्ट है 2 करोड़ रुपए, यानी दोस्तों अश्वत्थामा के टोटल बजट हो जाते हैं 14 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म की प्री रिलीज बिजनेस के बारे में, तो दोस्तों अश्वत्थामा मूवी के डिजिटल राइट्स यानी दोस्तों फिल्म को ऑनलाइन दिखाने के राइट्स बिके थे 7 करोड़ 60 लाख रुपए में। वही दोस्तों फिल्म के सेटेलाइट राइट्स यानी दोस्तों फिल्म को टीवी पे दिखाने के राइट्स बिके थे 8 करोड़ रुपए में और फिल्म के म्यूजिक राइट्स बिके थे 2 करोड़ रुपए में। यानी दोस्तों अश्वत्थामा मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले ही फिल्म के डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स को बेस कर 17 करोड़ 60 लाख की रिकवरी कर ली थी। बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों अश्वत्थामा मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन यानी कल को टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 3 करोड़ रुपए। बात करें दोस्तों फिल्म के दूसरे दिन यानी आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों अभी के रिपोर्ट के अनुसार फिल्म अश्वत्थामा अपने रिलीज के दूसरे दिन यानी आज को इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर रहे लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म अश्वत्थामा मूवी के अपने 2 दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन हो चुके हैं 5 करोड़ 50 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म के अपने 2 दिनों का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुके है 7 करोड़ रुपए। बात करें दोस्तों ओवरसीज मार्केट की, तो दोस्तों अश्वत्थामा मूवी ने अपने 2 दिनों में टोटल ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन कर लिया है 1 करोड़ 50 लाख रुपए। तो दोस्तों जहां फिल्म के अपने 2 दिनों का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुके हैं 7 करोड़ रुपए, वही दोस्तों फिल्म ने अपने 2 दिनों में टोटल ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन कर लिया है 1 करोड़ 50 लाख रुपए। यानी दोस्तों अश्वत्थामा मूवी ने अपने 2 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 8 करोड़ 50 लाख रुपए। तो दोस्तों यही था फिल्म अश्वत्थामा के अपने 2 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जो की हो चुके है 8 करोड़ 50 लाख रुपए। अब अगर बात करें दोस्तों रॉबी तेजा की मूवी डिस्को राजा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों डिस्को राजा मूवी के टोटल बजट है लगभग 30 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों रॉबी तेजा की मूवी डिस्को राजा ने अपने रिलीज के पहले दिन टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 4 करोड़ 10 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने अपने दूसरे दिन पे इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 3 करोड़ 70 लाख रुपए। इसी तरह से दोस्तों रॉबी तेजा की मूवी डिस्को राजा ने अपने पहला वीकेंड यानी 7 दिनों में टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 20 करोड़ 30 लाख रुपए। बात दोस्तों फिल्म के दूसरे वीकेंड के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने अपने 8वें दिन पे इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 90 लाख रुपए। बात करें दोस्तों फिल्म के 9वें दिन यानी आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों आज से सैटरडे यानी दोस्तों हाफ हॉलीडे, उसी के चलते दोस्तों फिल्म के कलेक्शन के मामले में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अभी के रिपोर्ट के अनुसार फिल्म डिस्को राजा अपने रिलीज के 9वें दिन यानी आज को इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर रहे लगभग 1 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों डिस्को राजा मूवी के अपने 9 दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन हो चुके हैं 22 करोड़ 20 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म के अपने 9 दिनों का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुके हैं 30 करोड़ रुपए। बात करें दोस्तों ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर के कलेक्शन की, तो दोस्तों डिस्को राजा मूवी ने अपने 9 दिनों में ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया है लगभग 7 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहां फिल्म के अपने 9 दिनों का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुके हैं 30 करोड़ रुपए, वही दोस्तों फिल्म ने अपने 9 दिनों में ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया है 7 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों रॉबी तेजा की मूवी डिस्को राजा ने अपने 9 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 37 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ही था फिल्म डिस्को राजा के अपने 9 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जो कि हो चुके है 37 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को प्लीज एक लाइक करें। तब तक के लिए मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।